वेलकम टू रसोई रेसिपी बाय अंजलि। आज मैं लेकर आई हूँ सेम और टमाटर की सूखी सब्जी। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगा। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करना, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों में शेयर करें, इसे लाइक करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले इसे जल्दी से सब्सक्राइब, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको और अच्छे से मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करें पहले अपडेट पाने के लिए। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड विद रसोई रेसिपी, लेट्स गो। के लिए मैं ले रही हूँ लहसुन, मिर्च, मेथी। मसालों में लिया है जीरा, धनिया, मिर्च, हल्दी, नमक। दो टमाटर बड़े साइज के फाइनली चॉप कर लिया है। कुकिंग ऑयल के लिए यूज कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। यहाँ पे मैं ली हूँ सेम, जिसे मैंने इतने इस पीसेस में इस इंच में काट लिया है, आधा आधे इंच में, जिसे हम हाई सिंथ बीन्स भी बोलते हैं। चलिए पैन को कर लेते हैं गर्म। इस तरीके से हाथ ऊपर रख के से देख लें, हीट आ रहा हो तो पैन गर्म हो गया। इसमें ऑयल कर एड करती हूँ। 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल मैंने यूज किया है और मैं मोस्टली मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती हूँ। तो ऑयल गर्म होने पे इसमें ऐड कर दिया मिर्च, मेथी के दाने। हमें हीट जो फ्लेम है उसको लो रखना है, ताकि मेथी के दाने जले नहीं और कम हीट पे अच्छे से गोल्डन हो जाए। तो मेथी का दाना हल्का सा गोल्डन हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो कम हीट पे जब गोल्डन होता है तो उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ऑयल में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। उस ऑयल में जब सब्जी बनती है तो उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हाई हीट पे जल्दी से लाल हो जाएगा पर फ्लेवर नहीं आएगा। तो इसे लो हीट पे गोल्डन होने के बाद ऐड करती हूँ लहसुन, और लहसुन को भी हमें गोल्डन होने तक फ्राई करना है, तब तक लहसुन का कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए। तो इसे मिक्स कर लिया और इसे करती हूँ फ्राई। ये देखिए तुरंत हो जाएगा गोल्डन। मैंने वीडियो ऑफ नहीं किया है, लगातार चल रही है ये वीडियो। तो देखिए बिल्कुल कुछ सेकंड्स में इसका कलर हो गया चेंज। ये देखिए अभी हीट जो है मेरा, फ्लेम जो है वो मीडियम पे है और तुरंत कलर चेंज हो गया। ऐड करती हूँ सेम हायसिंथ बीन्स, जिसे हम कहते हैं इसका साइंटिफिक नेम है। तो चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भून लेते हैं। इस तरह से मिक्स कर दिया और इसे हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेते हैं। इसे मैं लंच में बना रही हूँ, आप इसे रोटी या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो मैं इसे राइस के साथ सर्व करने वाली हूँ। तो जब तक ये इसका कलर चेंज हो रहा है, ये भून रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सेम की सब्जी के साथ ये ड्राई सब्जी बनने वाली है। आज मैंने बनाया है राइस जो कि कुकर में है, प्लेन राइस। और मैं यहाँ पे बनाई हूँ लंच में दाल, ये आपको दिखाती हूँ। दाल जिसे मैंने प्याज टमाटर का तड़का दिया है, पर मैंने प्याज टमाटर बहुत थोड़ा डाल के तड़का दिया है। जब हम डेली दाल बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा तड़का डेली डेली नहीं खा सकते, पर वो फ्लेवर अच्छा आता है अगर आप थोड़ा सा, थोड़ी क्वांटिटी में भी डाल के तड़का लगाएं। तो ये आज मैंने दाल बनाए हैं और मैंने बनाए हैं मटर पनीर की सब्जी। तो ये भी दिखाती हूँ, ये ग्रेवी हो गई मटर पनीर की सब्जी और ड्राई में हो गया सेम की सब्जी। वैसे सेम की सब्जी के आगे मटर पनीर मुझे इतना पसंद नहीं आता। तो मतलब ये सेम की जो आलू, सेम टमाटर की जो सब्जी ना, इतनी टेस्टी बनती है कि और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप भी ट्राई करिए और हमें बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है। तो ये देखिए कलर हो गया है चेंज हल्का सा, ये देख सकते हैं आप इसका कलर, और हल्का भुन गया है। सेम का कच्चा स्मेल भी नहीं आ रहा। अब इसमें ऐड कर दिया नमक स्वाद के अनुसार। नमक ऐड करके इसे फिर से मिक्स कर ले और हमें इसे फिर से थोड़ी देर और फ्राई करना है, थोड़ा और इसे कलर चेंज होने तक अच्छे से और इसे भुनना है। सेम का खासियत है आप इसे जितना ज्यादा भुनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आता है। वो इसका जो कच्चापन होता है ना, एक हरा हरा स्मेल, हरा कच्चापन, अगर आप इसको सेम को लेंगे तो खुशबू जाती है, वो निकल जाता है भुनने से। तो अच्छे से भुन गया। अब इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, हल्दी, हल्दी के साथ अब ऐड किया जीरा, और जीरे के साथ ऐड किया मिर्च, और बाकी बचे हुए जो मसाले हैं सेम प्लेट में ये सारे इसमें डाल दिए हैं। और अब इसे मिक्स कर लीजिए अच्छे से। क्वांटिटी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच हल्दी और 1/3 कश्मीरी लाल मिर्च लिया था। फिर से बताती हूँ और इसे मिक्स कर देती हूँ और इसे थोड़ी देर भून लेते हैं। तो भुनने के लिए मतलब ये मसाले का जो कच्चा स्मेल है वो निकल जाए, बस उतनी देर भून लें। 1 मिनट काफ़ी है इसको भुनने के लिए। और आधा 1 मिनट भुनने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर। तो इसे थोड़ा भूनते हैं पहले। हीट अभी जो मेरा फ्लेम है वो हाई है, हाई फ्लेम पे भून रही हूँ जल्दी जल्दी। तो ये भून के अब इसमें ऐड करती हूँ टमाटर। टमाटर को कर लें अच्छे से मिक्स।
क्योंकि पाउडर मसाले यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी भुन जाता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता और बहुत जल्दी ये सब्जी बन के तैयार हो जाती है। चलिए इसे मिक्स करती हूँ, अच्छे से मिला लेते हैं, बहुत अच्छे से बन के रेडी हो जाता है जल्दी ही। और ये मिक्स कर लिया, अब क्या करेंगे, अब इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे, इसे हीट को मीडियम टू लो के बीच में रखा है मैंने, और इसमें मैंने पानी डाला है अप्रॉक्स 2 से 3 बड़े चम्मच, बहुत थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि बस सब्जी जले ना। देखिए आप इसमें ग्रेवी देख सकते हैं, पानी मैंने बस 2 से 3 चम्मच पानी डाला, ढक्कन लगा के इसे मीडियम टू लो हीट पे रख के बंद कर दीजिए। 5 मिनट के लिए हमें इसे छोड़ना है। 5 मिनट बाद ये देखिए सब्जी बन के बिल्कुल तैयार है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सेम भी बिल्कुल पक चुका है, थोड़ा फ्राई करते वक्त पक गया था। और ये रही हमारी रेसिपी, ये बन के तैयार है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए, इसे ट्राई ज़रूर करें, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बेल आइकन क्लिक ज़रूर करिए ताकि नेक्स्ट अपडेट आप तक पहुँचे सबसे पहले। प्लीज़ लाइक शेयर।